नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कैनेडियन स्टूडेंट्स की, जो लोग वहां पहुंच गए हैं और रिसेशन फेस कर रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयमेंट फेस कर रहे हैं, जॉब लेने में दिक्कत आ रही है, खर्चा घर से मंगवा रहे हैं। तो उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं। देखो, जब आप यहां से बच्चे को बिना किसी तैयारी के जंग में उतार दोगे, जिन बच्चों को आपने कभी घर से निकाल के बड़े शहर में रहने के लिए एक महीने के लिए भी नहीं भेजा, उन बच्चों को आपने कनाडा बिना प्रेपरेशन के भेज दिया है, बिना किसी स्किल के भेज दिया है, और वो बच्चा वहां जाके जॉब ढूंढ रहा है, क्लीनिंग की, रेस्टोरेंट्स की, पैकेजिंग की, इस तरह की कुछ नॉन टेक्निकल जॉब्स ढूंढ रहा है, और उसको वो जॉब मिल नहीं पा रही है क्योंकि उन्हीं जॉब में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन क्यों है? क्योंकि सारे लोग ही एक ही कैटेगरी के पहुंच गए हैं, लेकिन जॉब्स की अवेलेबिलिटी आज भी वहां पे उतनी है, जरूरत है सिर्फ एक स्किल की। तो जब आप अनस्किल्ड होके जाएंगे तो आपको चैलेंजेस आना लाजमी है, ये चैलेंज आपको आएंगे ही आएंगे। तो आपको अपने साथ ऐड करना है एक स्किल, कोई ना कोई ऐसा स्किल जो आपके अंदर आसानी से जॉब लेने की कैपेबिलिटी पैदा कर दे। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको रेज्यूमे तक बनाना नहीं आता है। अपना आप उनके रेज्यूमे देखिए, उनको रेज्यूमे तक बनाने नहीं आते हैं। कम्युनिकेशन बहुत वीक है। आप उनको पूछेंगे कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, वो अपने आप के बारे में भी आपसे दो शब्द ढंग से नहीं बता पाएंगे। तो बच्चे का कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कॉन्फिडेंस बहुत वीक है। बहुत सारे एचआर से मेरी कनाडा में बात होती रहती है क्योंकि हमारी कंपनी ऑलरेडी वहां पे रजिस्टर्ड है और रिक्रूटमेंट सर्विसेज हम ऑलरेडी कनाडा के अंदर ऑलरेडी दे रहे हैं। तो चैलेंज ये भी है कि बच्चे की कम्युनिकेशन बहुत वीक है। तो अगर आप यहां से बच्चे को भेज रहे हैं तो मेक श्योर कि उसकी स्किल्स के ऊपर, उसकी पर्सनालिटी के ऊपर वर्क करके उसको भेजें ताकि उसको वहां पे जॉब लेने में कोई चैलेंज ना आए।